जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नील वर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ग्रहण में क्या करें और क्या न करें, ग्रहण जब भी आता है, चाहे आकाश मंडल पे आता हो चाहे मनुष्य के जीवन में आता हो, तो पूरी प्रकृति के लिए वो परिवर्तन हो जाती है। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह के हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए बहुत से कार्य हैं उनको जिनको ग्रहण के समय पे नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो नुकसान होता है, इसलिए ग्रहण के समय पे ये कार्य नहीं किए जाते हैं। साल में एक दो बार चंद्र ग्रहण, साल में दो बार कभी कभी सूर्य ग्रहण अवश्य पड़ता है, और जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है, और यह सब प्रभाव राशियों के आधार पर निर्धारित रहता है। तो ग्रहण काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में सहवास नहीं करना चाहिए, यानी ग्रहण काल के अंदर स्त्री पुरुष को आपस में मिलन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में संभोग नहीं करना चाहिए, और यदि शुद्ध रूप में बोल दो तो ग्रहण काल में सेक्स नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए और नहीं भोजन बनाना चाहिए, और यहां तक कि ग्रहण काल का जब सूतक चलता है उसमें जल भी नहीं पीना चाहिए, ग्रहण काल में नींद भी नहीं लेना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, और ग्रहण काल में नाखून काटना, बाल कटाना, कटिंग कराना नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में दुकानों पर जाकर के खरीदी बिक्री भी नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में दान लेना और देना भी नहीं चाहिए, ग्रहण काल में सिलाई नहीं की जाती है, ग्रहण काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ग्रहण काल में कन्या यदि रजस्वला से नहीं होना चाहिए, और यदि कन्या रजस्वला से प्रथम बार होती है तो वह कन्या का जीवन बहुत खराब होता है। ग्रहण काल में प्रसूता की डिलीवरी नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो बच्चा उत्पन्न होगा वह ग्रहण युक्त बच्चा उत्पन्न होगा, उसके जीवन में बहुत कष्ट, सारे कष्ट उत्पन्न होंगे। ग्रहण काल में विवाह नहीं किया जाता है, और यदि किसी को बर्बाद होना हो तो विवाह करके देख ले। बहुत से लोग कहते हैं हम ग्रहण को नहीं मानते, हम साइंटिस्ट हैं, ये तो ग्रह नक्षत्र की वजह से होता है, तो उन ग्रह नक्षत्र में वो साइंटिस्ट विवाह अवश्य करे। यदि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यदि ये कहता है कि हम नहीं मानते हैं ग्रहण काल को, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी, तो उस व्यक्ति को ग्रहण काल में विवाह अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो नहीं मानते उनके लिए बता रहा हूं कि वो ग्रहण काल में एक नए मकान में ग्रह प्रवेश करके पूजा अर्चना करें। ग्रहण काल में जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता है, ये सब प्रतिबंध ग्रहण काल में होते हैं। अब आप कहेंगे बाबा जी तो बकते रहते हैं, और जो नहीं मानता हो उनको ये सब काम करे और अपनी जिंदगी को तराशने का काम करे, देखने का काम करे कि उस जिंदगी में क्या क्या हुआ है। जिसको कष्ट प्यारे हो, जिसको बीमारी प्यारी हो, जिसको दुख प्यारा हो, वह ये सब काम अवश्य करे। गर्भवती और स्त्री और ग्रहण का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के ऊपर ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर में जो पानी की मात्रा होती है, जो स्टैंडर्ड पानी की मात्रा 69% होता है, उससे ज्यादा पानी एक गर्भवती स्त्री के शरीर के अंदर होता है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव गर्भवती स्त्री पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूतक के पहले
भोजन व पानी की वस्तुओं में तुलसी पत्र डाल करके रख देना चाहिए और फिर उस भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद खाया जा सकता है। गर्भवती स्त्री को चाकू छुरी ब्लेड कैंची का प्रयोग ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए और यदि गर्भवती स्त्री को भूख लगती है ग्रहण के दौरान तो तुलसी पत्र दला हुआ भोजन ही उसको देना चाहिए। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के दौरान सिलाई नहीं करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। बाल खुले नहीं रखना चाहिए और नहीं सेंट इत्र लगाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और गर्भवती स्त्री को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल में अपने आसपास लौंग, पीली सरसों और जायफल अवश्य रखना चाहिए और ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को मस्तिष्क शांत रखना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ग्रहण के दौरान लगातार जप करते रहना चाहिए। ग्रहण काल में जो गर्भवती स्त्री घर के बाहर निकलती है उसका बच्चा विकलांग या मानसिक विकलांग या शारीरिक विकलांग वाला बच्चा उत्पन्न हो जाता है या फिर दिल के अंदर छेद वाला बच्चा उत्पन्न होता है, क्योंकि स्त्री चंद्रमा का कारक है और गर्भवती भी है, कमजोर है। ग्रहण काल राहु काल कहलाता है। ग्रहण काल के प्रभाव से जो बच्चे मानसिक पागलपन या विकलांग होते हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। और यदि किसी के यहां पालतू पशु हो, कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकते हैं, घोड़े हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं, तो पालतू पशु और ग्रहण काल का आपस में क्या संबंध है? यदि किसी के घर में पालतू पशु है, दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है इत्यादि है, तो उनके गले में काला रिबन बांधा जाता है तथा गर्भवती हुई यदि कोई ऐसे पालतू पशु तो पीली सरसों, लौंग, जायफल और नींबू बांध देना चाहिए, अन्यथा ग्रहण के समय पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और ग्रहण जो है इन पशुओं को भी हानि पहुंचाता है। कई बार दूध देना बंद कर देते हैं, बच्चे पर असर होता है या फिर इनके बच्चे भी विकलांग बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। पालतू पशुओं को भी उनको भी अपने स्थान से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उनको बांधने की जो जगह होती है वहां पर पीली सरसों का छिड़काव कर देना चाहिए। दूध देने वाले पशु को बहुत सावधानी से रखना है ग्रहण काल के दौरान। ग्रहण काल में राक्षसी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी लोक के ऊपर। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, यथाशक्ति यथा योग्य दान देना चाहिए, गेहूं का दान, धान का दान, चने का दान, मसूर का दान, गुड़, चावल, काला कंबल, सफेद गुलाबी वस्त्र, चीनी, चांदी, स्टील की कटोरी, खीर, खिचड़ी और वस्त्र, ये सब यथाशक्ति यथा योग्य अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। अब मंदिर और ग्रहण, ग्रहण काल में मंदिर के दरवाजे 8-10 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं जब सूतक लगता है और ग्रहण के मोक्ष के बाद दरवाजे खोलकर मंदिर के अंदर रखा हुआ कलश, नारियल, नींबू सभी परिवर्तन करना चाहिए। यदि भगवान को कपड़े पहना रखे तो कपड़े भी चेंज करना चाहिए, मंदिर की धुलाई करना चाहिए और मंदिर के अंदर गौमूत्र, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र, नर्मदा जल इत्यादि ये सब छिड़कना चाहिए। नया कलश रखना चाहिए ग्रहण काल के बाद में, नया नारियल का प्रयोग करना चाहिए, पानी भी नया यूज करना चाहिए और जो भी देवी देवता मंदिर के अंदर होते हैं उनको स्नान कराना चाहिए। मंदिर के परिसर में तुलसी अवश्य होना चाहिए,
और मंदिर परिसर के और आसपास की कपूर जला करके शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल में एक व्यवसायी को, दुकानदार को या बेचने वाले को अपना व्यवसाय बंद करके रखना चाहिए। एक व्यवसायी को ग्रहण काल में नदी के किनारे, कुएं के पास या घर पर जाकर के ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ग्रहण काल में मनुष्य को अपने इष्ट देवता या कुल देवी देवता के मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहण के बाद मोक्ष होने पर दुकान या व्यवसाय स्थल पर जल का छिड़काव करना चाहिए जिसमें तुलसी पत्र डला हुआ हो, और फिर दुकान में के अंदर जहां भगवान का स्थान हो वहां पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ तांत्रिक लोग शमशान में जाकर दुकान बांधने, व्यवसाय बांधने, चौकी चलाने, मूठ चलाने का कार्य करते हैं। अतः व्यवसायी मनुष्य को ग्रहण काल में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ग्रहण के दिन या रात को या दूसरे दिन बहुत से व्यवसाय स्थल पर नींबू पड़े हुए मिलते हैं, शमशान की राख पड़ी हुई मिलती है, धूल मिट्टी पड़ी हुई मिलती है और पूजा किया हुआ नारियल मिलता है। इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर ग्रहण काल में की गई तंत्र विद्या आपको बर्बाद कर सकती है। ग्रहण काल में की गई तंत्र विद्या ग्रहण काल में ही कटती है, ऐसा भी नियम है। अतः समय पर केवल आप पावर को कम कर सकते हो, केवल बस। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और ग्रहण काल में साधक को क्या करना चाहिए? साधक को ग्रहण काल में साधना करना चाहिए। साधना कैसे करें, किसके निर्देशन में करें, कहां करें, किस प्रकार साधना करें, इन सब के उत्तर के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से साधना लेना चाहिए, वही इन सब का जवाब देगा। आपकी योग्यता क्या है, आपने क्या पढ़ा लिखा है, वेद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, गीता पढ़ी, भागवत जी पढ़ी, रुद्री पढ़ी, स्तुति पढ़ी, इस पर विचार करके साधना दी जाती है। गृहस्थों के लिए साधना अलग होती है और बिना गृहस्थी वाले अघोर ओघर वाम मार्गी दक्षिण मार्गी के लिए साधना अलग होती है। ग्रहण काल में साधक को जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार सात्विक या तामसिक साधना करना चाहिए। साधना के लिए इष्ट का निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए। तामसिक जप तप हवन साधना घर पर बिल्कुल न करें ग्रहण के दौरान, जिसमें शराब और मांस का प्रयोग होता हो। चक्र पूजा भी घर पर बिल्कुल न करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सात्विक साधना में देवी देवता की कृपा प्राप्त की जाती है, जबकि तामसिक साधना में शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, शक्तियां अर्जित की जाती है। साधक को ग्रहण काल में खाना पीना नहीं चाहिए और ग्रहण काल के अंदर शव को जलाया नहीं जाता है। ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर नहीं जाया जाता है, जैसे पुलिया पर, चौराहे पर, तिराहे पर, शमशान में, एकांत में, जहां मनुष्यों का आना जाना बहुत कम होता हो वहां पर ग्रहण काल में नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद से दूसरे दिन बाहरी खाने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया टोना टोटके का प्रभाव उस खाने के ऊपर बहुत पड़ता है और यदि वह खा लिया जाता है तो आपको ऊपर बितौने टोटके हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, पति पत्नी, माता पिता, बाप बेटा, पड़ोसी इत्यादि से झगड़ा करने से बचना चाहिए। और ग्रहण काल में हमारे पारंपरिक रीति रिवाज और मान्यताएं जो पालन नहीं करते हैं उनको मेरा चैलेंज है, चुनौती देता हूं, ललकारता हूं कि वह अपनी पुत्र पुत्री का विवाह ग्रहण काल के समय पर करे या गृह प्रवेश ग्रहण काल के समय पर करे और व्यवसाय का उद्घाटन ग्रहण काल पर करके देखें कि अपनी जिंदगी में ग्रहण काल में कार्य करने पर क्या क्या होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते।
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय